वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ। एंड इफ यू वॉचिंग माय चैनल फर्स्ट टाइम देन हेलो, आई मेक वीडियो स्किन केयर ब्यूटी DIY सम ब्लॉग्स एंड द लॉट मोर। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल बटन टू कैच अप ऑल द नोटिफिकेशन। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो है एक फेस पैक, फेस मास्क जिसे कोई भी यूज कर सकता है, जो सभी स्किन टाइप्स को सूट होने वाला है एंड जो हमारे स्किन को काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग बना देगा एंड काफ़ी ज़्यादा जो हमारा स्किन टोन है उसे भी ब्राइट कर देगा। सो अभी फेस पैक को बनाना स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। पैक को सब बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो चाहिए वो होगा हमारा ग्राम फ्लोर। हमें यहाँ पर 1 स्पून ग्राम फ्लोर चाहिए। ग्राम फ्लोर हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी डेड सेल्स को हमारी स्किन से रिमूव कर देता है एंड ये बहुत अच्छा क्लींजर का भी काम करता है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 स्पून ग्राम फ्लोर लेंगे, जितना भी आपके फेस के लिए सफिशियंट है आप उतना ले लीजिएगा। सेकंड जो हमारा इंग्रेडिएंट होगा वो होगा हमारा एलोवेरा जेल। हमें यहाँ पर चाहिए 1 स्पून एलोवेरा जेल। हम इसे ग्राम फ्लोर में डाल देंगे एंड हमारा जो थर्ड इंग्रेडिएंट होगा वो होगा हमारा कॉफ़ी। ये कॉफ़ी है, ये 10 रुपए की पैकेट है, कहीं पर भी आपको मिल जाएगी। सो बस आपको लेनी है कॉफ़ी। यहाँ पर हम 1 स्पून जितना कॉफ़ी ले लेंगे। अगर आपके फेस को कॉफ़ी सूट नहीं होती है, बहुत लोग होते हैं जिन्हें कॉफ़ी सूट नहीं होती है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, बिना कॉफ़ी के भी आप इस फेस पैक को बना सकते हो। तो अगर आपको सूट होती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कॉफ़ी जो होती है वो हमारे स्किन को फेयर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। एंड हमारा जो फोर्थ इंग्रेडिएंट होगा वो होगा हमारा हनी। हम यहाँ पर ले लेंगे 1 स्पून हनी। हमारे फेस पैक का लास्ट इंग्रेडिएंट होगा रोज़ वाटर। हमें जितना भी इसमें ज़रूरत होगी इसे डालने की हम उतना इसमें डाल लेंगे, 1 स्पून 2 स्पून। जितना ये अच्छा सा पेस्ट न बन जाए उतना हमें इसमें रोज़ वाटर ऐड कर देना है। तो मैं अभी इसमें रोज़ वाटर ऐड कर देती हूँ। एंड इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। कॉफ़ी बहुत लोगों को सूट नहीं होती है, लेकिन जिन लोगों को सूट होती है ना ये उनके लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आपको अगर थोड़ा सा आपका स्किन टोन है वो थोड़ा सा डाउन है तो ये इसे इम्प्रूव करता है एंड ये काफ़ी अच्छा स्क्रब का काम भी करता है। आप इसमें थोड़ी सी शुगर डाल के कॉफ़ी में एंड स्क्रब कीजिए तो काफ़ी अच्छा स्क्रब होता है। एंड ग्राम फ्लोर की तो हम सबको बताया कि हमारे फेस के लिए कितना अच्छा होता है, एलोवेरा जेल हमारे फेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। तो ये हमारा बनकर रेडी हो गया है। ये हमारा बनकर रेडी हो गया, अभी हम इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लेते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कोई भी फेस पैक, कोई फेस मास्क लगाने से पहले हमें अपने फेस को वॉश करना होता है। सो मेरा यहाँ पर फेस वॉश है और अभी मैं इसे अप्लाई करना स्टार्ट करती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू है क्योंकि इसमें कॉफी एंड ग्राम फ्लोर की इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत ऐसा लग रहा है खा जाओ। मैं इसे यहाँ पर स्पून की हेल्प से लगा रही हूँ, आप चाहो तो ब्रश की हेल्प से, फिंगर की हेल्प से कैसे भी लगा सकते हो। इस फेस पैक को आप वीक में 2 बार लगाइए और आपको काफी अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। एंड कोई भी हो, टीनेजर भी इसे यूज कर सकते हैं, बिगनर्स भी इसे यूज कर सकते हैं, सभी के लिए काफी अच्छा है। इसी तरह से हम इसे सारे फेस पर अप्लाई कर देंगे। हमने इसमें ऐड करी है हनी। हनी हमारे विंटर्स के लिए काफी अच्छी होती है, जिनकी स्किन ड्राई होती है उनको हनी लगाना चाहिए। आप सिंपल हनी भी लगा सकते हो, कुछ भी इसमें बिना डाले हुए। थोड़ी देर उसे 5 से 10 मिनट अपने फेस पर लगाकर रखिए एंड देन फेस वॉश कर दीजिए। आपकी स्किन काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी एंड ड्राइनेस की प्रॉब्लम भी दूर होती जाएगी आपकी। एंड हमने इसमें ऐड किया है रोज वाटर। रोज वाटर तो सभी को पता है कि कितना अच्छा होता है हमारे फेस के लिए, बहुत अच्छा टोनर का काम करता है रोज वाटर। मुझे तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इसमें से खा जाओ।
मास्क लग चुका है, इसे हमें रखना है 15 से 20 मिनट के लिए, जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। 15 से 20 मिनट में, अगर ये ड्राई नहीं भी होता है क्योंकि अभी विंटर है तो मुझे नहीं लगता ये ड्राई होगा 15 से 20 मिनट में, तो हम इसे लेकिन 15 से 20 मिनट इसे फेस पर रखेंगे, देन अपना फेस वॉश कर देंगे। 15 मिनट हो गए हैं लेकिन मुझे नहीं लगता ये ड्राई होगा क्योंकि बहुत ज्यादा विंटर है ना अभी इस वजह से, लेकिन ये थोड़ा सा तो ड्राई हो गया है यहां से, एंड मैंने थोड़ा सा थिक भी लगा लिया था इस वजह से नहीं लगता मुझे ये ड्राई होगा, लेकिन टाइम हो गया है तो अभी मैं इसे रिमूव कर देती हूं। मैं थोड़ी सी पहले इसे ऐसे मसाज दे दूंगी। फेस वॉश कर लिया है, एंड एज यू कैन सी, आप लोग खुद देख सकते हो मेरे स्किन पर कितना ज़्यादा ग्लो आ गया है, स्किन काफ़ी ज़्यादा फेयर लग रही है एंड काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, आप लोग देख सकते हो कलर भी काफ़ी ज़्यादा फेयर हो गया है। तो ऐसा तो नहीं है कि एक बार में आपका कलर फेयर हो जाएगा, लेकिन हाँ आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा, 100% दिखेगा, और आप लोग इसे वीक में 2 बार ज़रूर ट्राई कीजिए तो आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट ला करके देगा, आपके सन टैन को भी रिमूव कर देगा एंड आपके स्किन टोन को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा। तो आई होप आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए ये फेस मास्क है वो यूज़फुल रहेगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में इसे शेयर भी कर सकते हो, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।